नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां है वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। कौन सा चैप्टर है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका आज है लेक्चर नंबर 8 और 8 में हो जाते हैं ठाट। ठाट का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल सब संपन्न, सब कुछ मस्त, पर अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। आप भी तो मान करके चलिए आधा चैप्टर ही हुआ है भैया। इकोनॉमिक्स है ये, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। चैप्टर कम है इकोनॉमिक्स में, मतलब आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की तुलना में देखोगे तो चैप्टर टोटल 12 ही हैं। 12 में से फर्स्ट चैप्टर माइक्रो का और फर्स्ट चैप्टर मैक्रो का, ये दोनों छोटे हैं, बाकी तो जितना डीप में जाओ उतना ही कम है, ठीक है ना। चलिए तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग बात करेंगे अंधिमान वक्रों के लक्षण या विशेषताएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अंधिमान वक्रों के लक्षण या विशेषताएं, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीचर्स या प्रॉपर्टीज, फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व, फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस। अभी तक की जो क्लासेस हैं उसमें हमने हमारा अंधिमान वक्र की अगर मैं बात करूं, इनडिफरेंस कर्व की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है। हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था कि भाई कर्मवाचक जो उपयोगिता है उसकी बात करी थी, उसमें मैंने आपको अंधिमान वक्र बताया। लास्ट का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 7 बड़ा लेक्चर था और उसमें बड़े अंधिमान वक्र सब बात कर ली थी। अंधिमान वक्र क्या होते हैं, अंधिमान मानचित्र क्या होते हैं, कैसे संतुष्टि मिलती है, क्या नहीं मिलती, ठीक है, एकदिष्ट अधिमान क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। पर अब आज हम लोग ये जानेंगे कि अंधिमान वक्रों के लक्षण या विशेषता है क्या, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है इनडिफरेंस कर्व में, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि भैया ये अंधिमान वक्र होगा और ये नहीं होगा। तो अब इस इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज 4 प्रकार की होती है, तो 4 प्रॉपर्टीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है या सबसे पहली जो लक्षण होगा वो ये होगा कि वक्र बाय से दाए ढाल में गिरता हुआ होगा, गिरता हुआ होगा। जो उसका स्लोप होगा ना बच्चों, वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जो है, बाएं का मतलब बाएं और दाएं का मतलब दाएं, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या होगा, वक्र बाएं से दाएं ढाल में गिरता हुआ होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है उच्च अंधिमान वक्र, उच्च अंधिमान वक्र उच्च संतुष्टि प्रदान करता है, उच्च अंधिमान वक्र उच्च संतुष्टि प्रदान करता है। तो जो ऊंचा वाला अंधिमान वक्र होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जैसे कि हमने अंधिमान मानचित्र में पढ़ा था। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा एक अंधिमान वक्र, एक अंधिमान वक्र दूसरे अंधिमान, यहां पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, अंधिमान वक्र को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं, ठीक है, मतलब कभी भी यू नहीं होगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे। चलिए चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ अंधिमान वक्र, अंधिमान वक्र उद्गम या मूल बिंदु के उत्तल होते हैं, मतलब कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं इनडिफरेंस कर्व की या अंधिमान वक्र की, कि भैया बाएं से दाएं उसका ढाल होगा, गिरता हुआ होगा, उच्च अंधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि पैदा करेंगे, एक अंधिमान वक्र है वो दूसरे अंधिमान वक्र को कभी भी नहीं काटेगा, और अंधिमान वक्र मूल बिंदु के उत्तल होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब एक एक पर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। अंधिमान वक्र बाएं से दाएं
नीचे की ओर ढलवा होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो पहली विशेषता है, जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो अनदिमान वक्र है वो बाय, बाय का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर क्या होगा, ढलवा होगा। और एक आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि अनदिमान वक्र कैसे होंगे, ऋणात्मक ढाल के होंगे, कैसे होंगे, ऋणात्मक ढाल के होंगे, ऋणात्मक ढाल के होंगे। ऋणात्मक ढाल का मतलब है जो गिरती हुई ढाल है उसमें होंगे। अब इसको समझिए, देखिए हम लोग जो वक्र बनाते हैं अनदिमान वक्र, ही भैया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष, ये दो अक्ष हो गए हमारे। अब हमेशा जो अनदिमान वक्र होता है वो यूं होता है, ऐसा ही बताया ना मैंने आपको कि अनदिमान जो वक्र होगा वो ऐसा होगा और उस पर हम लिख देते हैं आई सी, इनडिफरेंस कर्व, और इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे चाहे एक दो तीन चार, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमें सेम संतुष्टि प्रदान करेंगे। पर अब आपने हमेशा कि मैंने आपको क्या सिखाया, ये वाला जो वाई अक्ष है इस पर क्या लिखा जाएगा, त्याग करने वाली मात्रा, त्याग करने वाली मात्रा, जिस वस्तु की मात्रा को आप त्याग कर रहे हो वो यहां पे लिखी जाएगी, और अतिरिक्त प्राप्त करने वाली मात्रा, जो आप एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हो, अतिरिक्त जो आप प्राप्त कर रहे हो वो यहां पे लिखोगे। तो अतिरिक्त प्राप्त करने वाली मात्रा यहां पर आ जाएगी। तो त्याग वाला हमेशा यहां पर आएगा और अतिरिक्त वाला हमेशा यहां पर आएगा। अब अगर मैं आपको ऐसा कहूं, और ये सत्य है क्योंकि आपने पढ़ा है इस बात को पूरा अच्छे से पढ़ा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अब अपन को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे मान लो कि यहां पर जो है मैं किसी कोई चीज है उसको 15 खरीद रहा हूं, ठीक है, और यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने एक खरीदी, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इसको अपन बढ़ाते गए तो मैं 15 से फिर यहां पर कितने पर आ गया, जैसे मान लो अपन 11 पर आ गए, ठीक है, फिर इसके बाद अपन 8 पर आ गए, फिर अपन 6 पर आ गए। तो ये जो देखो कि जो त्याग करने वाली मात्रा है, जिस वस्तु की अपन त्याग कर रहे हैं वो भी कम करते जा रहे हैं। पहले क्या है, 15 में 11 4 का अंतर, 11 से 8 में 3 का अंतर और 8 से 6 में 2 का अंतर, ठीक है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ झुकते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं, हम यूं नीचे आते जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे कि भैया पहले 6 फिर 8 फिर 11 फिर 15, हम नीचे आते जा रहे हैं और इधर से इधर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा गया है लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर ढलवा, ये नीचे की ओर ढलवा होगा। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों ह्रासमान, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, जो MRS है, जो MRS है वो गिरता हुआ है, डिक्रीजिंग है, इसके कारण ये हो रहा है कि जो MRS है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो लगातार गिर रहा है। पहले 4:1 का है, फिर 3:1 का है, फिर 2:1 का है। जब जब मैं एक अतिरिक्त मात्रा दूसरी वस्तु की ले रहा हूं तो यहां पर भी कम कर रहा हूं, परंतु सबसे पहले के लिए मैंने 4 करी, फिर 3 करी, फिर 2 करी, अंतर मेरा जो है वो कम होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस वस्तु का उपभोग कर रहा हूं तो इसकी जो MU है वो गिरती जा रही है, क्योंकि मेरी इसकी इच्छा कम होती जा रही है, बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। परंतु जैसे जैसे मैं इसको कम करता जा रहा हूं तो मेरी इच्छा बढ़ रही है कि नहीं यार और चाहिए, ये तो और होना चाहिए, तो इसकी MU तो बढ़ेगी और इसकी घटेगी, तो मेरा इंटरेस्ट अब इसमें आने लगेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा इसको त्यागते नहीं, थोड़ा सा त्याग देते हैं, फिर थोड़ा सा और कम कर देते हैं, फिर थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो ये अनदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर, या कभी पूछ लिया जाए अनदिमान वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव इसका स्लोप होगा, और इस स्लोप के पीछे किसका हाथ है, MRS का हाथ है। और MRS कौन सी है बच्चों, गिरती हुई MRS है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर है। हमेशा शब्दों को बड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर लिखा जा रहा है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नहीं लिखा जा रहा है। तो प्रतिस्थापन दर है वो जो गिरती हुई है उसके कारण ये हो रहा है। और आगे भी जब हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे कि ये जो आईसी है, आईसी कब है, वो उत्तल है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, उस कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन के पीछे भी किसका हाथ होगा, ये जो MRS है जो डिमिनिशिंग हो रही है, जो गिरती जा रही है MRS, इसका हाथ होगा। और अगर यहीं पर MRS भरी हुई होती तो किस प्रकार का शेप होता, इस प्रकार का शेप होता। और जब पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु होती है तो MRS में समान रहती है, कोई बदलाव नहीं आता, तो स्ट्रेट लाइन खींच जाती है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ करके आ चुके हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर ढलवा जाना ऋणात्मक ढाल है, ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए तो अब किताब की लैंग्वेज पर आ जाते हैं।
एक अंधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, ठीक है। तो एक अंधिमान वक्र कैसा होगा, बाएं से दाएं, ये यहां से बाएं से दाएं की तरफ ये बढ़ता जा रहा है और नीचे की ओर आता जा रहा है, ढलवा है। जिसका अर्थ क्या है कि अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। मतलब जैसे जैसे वो एक्स वस्तु की बढ़ाता जा रहा है, एक्स पर केला है और वाई पर आम है, तो जैसे जैसे वो केलों की संख्या बढ़ाएगा तो उसको आम की संख्या क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यही तो कहा गया है कि MRS है कि भैया आपको एक चीज की वस्तु बढ़ानी है तो दूसरी आपको घटानी होगी, कम करनी ही होगी। यदि उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ मात्रा का एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर त्याग नहीं करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि उपभोक्ता वाई की वस्तु वही अथवा अधिक मात्रा एक्स की वस्तु के बदले प्राप्त करता है और वह एक उच्च अंधिमान वक्र पर चला जाता है। अब देखिए आप एक चीज बताइए, हम यहां पर यह बात कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 और 15 है, ये एक्स और वाई 10 और 15 है। अब मैंने ये कहा कि मैं जब x की ये बढ़ा रहा हूँ 11 कर रहा हूँ तो मुझे इसको 13 करना पड़ रहा है, ठीक है, इसको 13 करना पड़ रहा है, ओके। अगर मैं x की बढ़ा रहा हूँ तो इसको 13 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा MRS कहता है कि अगर एक वस्तु की मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरी को घटाना पड़ेगा। पर ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं इसकी मात्रा बढ़ाऊँ भी और इसको घटाऊँ भी ना, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है गुरु जी? बिल्कुल पॉसिबल है कि भैया अपन इसको 11 कर दे और उसको भी 15 रहने दे, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल हो जाएगा बच्चों? पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो पूछो कैसे नहीं हो सकता। तो याद करो अंधिमान वक्र की कुछ मान्यताएं आपको पढ़ाई थी और उन मान्यताओं में बोला था कि वो दो ही वस्तु खरीदेगा। तो बोले गुरु जी अभी दो ही तो वस्तु खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं हो आप लोग। दूसरा यह भी मैंने बोला था कि उसकी जो आय होगी, जो इनकम होगी, वो क्या होगी, स्थिर होगी, फिक्स होगी बच्चों, सुनिश्चित होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब ये भी बढ़ा रहा है और वो भी उतना का उतना ही है, तो भैया फिर पैसा आ कहां से रहा है? पैसा आ कहां से रहा है? हम ये क्या मान रहे हैं कि जितनी भी मेरी आय है वो सारी की सारी मैं इन दो वस्तुओं को खरीदने पे खर्चा करता हूं, ये मान्यता मानिए ना। तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि भैया वो एक वस्तु का बिना त्याग करे दूसरी वस्तु को बढ़ाता रहे, कभी पॉसिबल नहीं। आज मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए हैं और मैं 100 रुपए में मान लीजिए 40 के केले खरीद रहा हूं और 60 रुपए के आम खरीद रहा हूं, तो अब मान लो कि मुझे केले ज्यादा खरीदने, मैंने यहाँ पे केले 50 के कर दिए तो मुझे आम भी तो 50 के करने पड़ेंगे, गिराना पड़ेगा। मैं केले अगर 55 के खरीदूंगा तो मुझे आम 45 के करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि मेरी जो आय है वो तो फिक्स है, वो मेरी आय तो क्या होगी, स्थिर होगी, और दो ही वस्तुएं मुझे खरीदनी है। तो कभी भी अगर एक पर वो वृद्धि करेगा तो दूसरे का उसको त्याग करना ही करना पड़ेगा, एक में वृद्धि करेगा तो दूसरे पर त्याग करना ही करना पड़ेगा। यही बात यहां पर आपको एक्सप्लेन करी गई है। अतः जब तक उपभोक्ता उसी अंधिमान वक्र पर स्थित है, केलों में वृद्धि को आमों की मात्रा में कम करके शर्ती पूर्ति की जानी चाहिए। तो ये शर्ती पूर्ति है वो करी जाएगी। शर्ती का मतलब क्या होता है? नुकसान, ठीक है, और पूर्ति मतलब उस नुकसान की भरपाई। तो जैसे मतलब यहां पर क्या है, यहाँ पर भैया 10 एक्स वस्तु थी और 15 वाई वस्तु थी, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 15 में से 13 करी, दो वस्तुओं का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति कहाँ पे कर दी, इसमें एक बढ़ा कर करके कर दी। तो इसी प्रकार से अंधिमान वक्र अपने चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात अंधिमान वक्र की आपको समझ लेनी चाहिए कि अंधिमान वक्र बाय से दाए ढलुआ में होंगे, ऋणात्मक होंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, और ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि MRS हमारा गिरता जा रहा है, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे पे, उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो जो उच्च अंधिमान वक्र होगा वो ज्यादा उपयोगिता देगा। तो चलिए देख लेते हैं, जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब एक व्यक्ति सदैव ही उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब तक एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता MU धनात्मक रहेगी, धनात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ये जैसे अपन ने माना तो ये अपनी MU है, यहां तक तो वो है पॉजिटिव है, पर इसके बाद जब जा रही है तो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है ना, अपने पढ़ा था -2 वाले एग्जांपल, ये सब यहां तक वो क्या है, पॉजिटिव है, पर इसके बाद नेगेटिव जाएगी। और इस पॉजिटिव पर हमें क्या मिल जाता है, जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहते हैं, अधिकतम संतोष का बिंदु या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट इसको कहा जाता है,
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट या अधिकतम संतोष का बिंदु इसको कहा जाएगा कि भैया यहाँ पे सबसे अधिकतम संतोष हो जाएगा। और इसके नीचे जाता है, जब इसके नीचे जाएगा तो हमारी एमयू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अब यहाँ पे संतोष मिल चुका है, सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, अगर अभी भी जबरदस्ती करोगे तो फिर मन मार करके वो काम नहीं लूंगा या वो उपभोक्ता मतलब उपभोग नहीं करेगा। तो इसने यहाँ पर यही बात कही है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी, पॉजिटिव रहेगी, तो हमेशा उपभोक्ता क्या करता है, अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ तक वो चाहेगा, जैसे मान लो वो यहाँ पर है तो वो चाहेगा और मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ये सबसे टॉप लेवल का सेटिस्फेक्शन है, बहुत बेस्ट। तो हर व्यक्ति यहाँ तक पहुँचना चाहेगा, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। आप भी कोई वस्तु, कोई भी चीज़ चाहते हो, आप भी अपनी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर वस्तु खरीदना चाहते हो, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, तो आप भी इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचना चाहोगे। और ये मैक्सिमम पॉइंट कब तक है? जब तक आपका एमयू पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा तो उपभोक्ता अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना चाहेगा, क्योंकि अधिक मात्रा उसको अधिक संतोष के स्तर को बढ़ाएगी, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, अधिक संतोष उसको प्रदान करेगी। अब देखिए यहां पर आपको एक संयोग दिखाया गया है और केलों की मात्रा 1, 2, 3 और आमों की मात्रा दर्शाई गई है। चलो इस हिसाब से अपन एक बना लेते हैं। ये अपन ने लिख दिया y अक्ष और ये अपन ने लिख दिया x अक्ष, ये 0। अब यहां पर बढ़ता हुआ है तो ये केलों की मात्रा x पर आ जाएगी, केलों की मात्रा। और यहां पर जो है आम, आम की जो मात्रा है वो आ जाए। अब इसमें एक बात देखो कि आम की मात्रा जो है वो 10 ही है। आम की मात्रा में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, आम की मात्रा में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, पर केला पहले 1 था, फिर केला 2 था, फिर केला 3 था। तो सबसे पहले तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु मिल जाएगा, फिर दूसरे वाले में ये वाला बिंदु मिल जाएगा, और तीसरे वाले में ये वाला मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा आईसी बना वो ये बना 1 और 10 पर, दूसरा आईसी बना 2 और 10 पर, और तीसरा आईसी बना वो ये वाला। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसने बढ़ा कैसे दिया, अभी तो आपने कहा कि उसके पास आय उतनी है नहीं, तो एक वस्तु को घटाना पड़ेगा, एक वस्तु को कम करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर जो है ना अनधिमान वक्रों की बात है, वो अलग अलग करी गई। ये एक दिष्ट जो अधिमान मैंने आपको पढ़ाया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ाई थी, और उसमें ये कहा था कि जैसे मान लीजिए कि एक बंडल में 1/10 है और दूसरे बंडल में 2/10 है, तो यहाँ पर देखो एक वस्तु तो समान है और दूसरी बढ़ेगी तो आप इसी को खरीदोगे, इससे क्योंकि आपको ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। और तीसरा ये है कि 3/10 है तो ये अभी भी इसमें समान है पर ये बढ़ गया, तो आप ये वाला खरीदोगे क्योंकि उसको आपको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसने क्या बात कही है कि अगर ये देखो एकदिष्ट अधिमान मोनोटोनिक प्रेफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आप लोगों को अच्छे से वो याद होना चाहिए। उसमें यही बात कही थी कि अगर 2 बंडल है और 2 बंडलों में से एक वस्तु में बिल्कुल भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और दूसरी वस्तु की मात्रा एक बंडल में बढ़ी हुई होती है, तो उसी बंडल को खरीदेगा जिसमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ी हुई और दूसरी की समान है। तो यहां पर देखो 1 और 10 और 2 और 10 को मिलाओ तो ये तो 10-10 है, पर यहां पर 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ये वाला खरीदेगा। यहाँ पर 2, 10 और 3, 10 है तो यहां पर तो 10-10 है, पर यहां पर 3 मिल रहा है तो ये वाला खरीदेगा। तो इस आधार पर है ये एकदिष्ट अधिमान जो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है उस आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 बन गया, IC1 बन गया, ये मेरा IC2 बन गया और ये मेरा IC3 बन गया। तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि भैया ज़्यादा जो ऊपर वाला होगा, जैसे ये वाला IC है, ये ज़्यादा संतुष्टि देगा, इससे कम संतुष्टि ये देगा और इससे कम संतुष्टि ये वाला देगा, ओके, इससे कम संतुष्टि ये वाला देगा। देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे मान लीजिए, आपको और भी थोड़ा सा आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। अब देखो जब मैं पहला 1 केला और 10 आम खरीद रहा हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पर जब मैं 2 केले और आम खरीद रहा हूँ तो मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ कि भैया मुझे 3 केले और आम खरीदने हैं तो मुझे ये पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि भैया ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इससे मिलेगा। यही बात कही गई है कि उच्च अनधिमान वक्र, जो ऊँचा अनधिमान वक्र होगा ये तो ये वाला ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अनधिमान मानचित्र आपको पढ़ाया था, तो ऊंचा वाला जो होगा वो ज्यादा संतुष्टि आपको प्रदान करेगा। ये देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का ही है। मैं ये इमेजेस क्यों लगा करके लाता हूँ, क्योंकि जिससे कि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ भैया हमारी एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है और मनीष सर जो हमें पढ़ा रहे ना वो एनसीईआरटी की तुलना में ही पढ़ा रहे हैं।
देखो बच्चों, मेरे पास किताबों की कमी नहीं है, मैं चाहूँ अलग अलग किताबों का इस्तेमाल करके और भी कंटेंट डाल सकता हूँ, पर मेरी हमेशा से एक बात ये रही है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर बोर्ड एनसीईआरटी को उठा करके पेपर बनाता है तो मैं सबसे पहले जो प्रेफरेंस या प्राथमिकता देता हूँ वो एनसीईआरटी को ही देता हूँ। तो एनसीईआरटी को ही आधार, एनसीईआरटी में अगर कोई लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होती है कि भाई बच्चों को समझ में मैं थोड़ी सी परेशानी होगी तो मैं दूसरी किताब से उठाता हूँ, या लगता है कि ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है दूसरी किताब में दे रखा है तो अपन वहाँ से उठा करके लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट मिले। आपको चिंता नहीं करना, आपको पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण लगन के साथ पढ़ना है। विश्वास किस पर रखना है? हम पर रखना है कि हाँ भाई सर पूरा अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छे से ही पढ़ाते रहेंगे। और खुद पर भी रखना है कि मैं इकॉमर्स कॉमर्स लेकर के आऊँगी या आऊँगा, लाने ही है, ठीक है, और पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहे। तो जैसा अभी आपको मैंने बनवाया था वैसा का वैसा ही यहाँ पर बना हुआ है कि भैया देखो ये IC1, ये IC1, ये IC2, तो IC1 कहाँ पे कट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पर, तो जहाँ पे एक केला और 10 आम है। IC2 कहाँ पे कट कर रहा है? ये वाला पॉइंट है, 2 केला 10 आम है, और IC3 यहाँ पे, तो ये वाला ज़्यादा जो ऊपर होगा वो ज़्यादा संतुष्टि देगा। याद करो वो वाला एरो ऐसे बना करके पढ़ाया था आप लोगों को कि जो अंधिमान वक्र ऊपर होगा वो ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। ओके, संयोग ए बी तथा सी में आमों की समान मात्रा है परंतु केलों की मात्रा भिन्न है। तो देखो अब हम लोगों ने क्या देखा था कि जो संयोग है ए बी और सी, उन तीनों में आमों की मात्रा समान है, यहां पर भी 10 आम, यहां पर भी 10 आम और यहां पर भी 10 आम, पर जो केलों की मात्रा है वो अलग है, पहले में ए में 1, फिर 2 और फिर 3। संयोग बी ए की अपेक्षा उपयोगिता का उच्च स्तर प्रदान करता है। अब याद करो एक दिष्ट अधिमान मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जहां पर क्या कहा गया कि भैया 1 और 10 ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, 2 और 10 दूसरा अधिमान वक्र, और ये सी पॉइंट 3 और 10। अब देखो ए और बी में ये देखो कि ये दोनों सेम है, पर यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहां पर आपको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या होगा? बी, संयोग बी ए की अपेक्षा उपयोगिता का उच्च स्तर प्रदान करेगा। तो बी क्या है? ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा, ज्यादा उपयोगिता प्रदान करेगा, क्योंकि यहां पर जो आम है वो तो 10 के 10 ही है, पर केला एक बढ़कर के मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मानो कि भैया आज आपको ऐसा कहा जाए कि भैया देखो एक जो सेट है उसमें तो क्या होगा कि आपको हिस्ट्री जो पॉलिटी इको और ज्योग्राफी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, एक सेट तो ये हो गया, और इसमें जो है हिंदी भी पढ़ा दी जाएगी। दूसरे सेट में हमने ये बोला कि हाँ भैया पॉलिटी इको ज्योग्राफी तो है ही और हिंदी और इंग्लिश भी है, तो अब आप कौन सा सेट चुनोगे? आप दूसरा वाला चुनोगे, बोलोगे इंग्लिश फ्री में मिल रही है इंग्लिश लो ना, तो जहां आपको ज्यादा संतुष्टि प्रदान होगी वही लोगे। तो यही बात यहां पर बोली गई, इस वाले में है ना ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, IC2 IC1 से ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। अब ऐसा ही इसलिए बी ए की अपेक्षा एक ऊंचे अंधिमान वक्र पर होगा और अधिक संतोष को व्यक्त करेगा, इसलिए जो बी वाला है वो ऊंचा होगा ए की तुलना में और ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। अब ऐसा ही जो नियम है वो सी पर भी लागू होगा, इसी भांति मतलब इसी प्रकार से सी में बी की अपेक्षा अधिक केले हैं, तो बी में कितना था 2 और 10 और सी में कितना है 3 और 10, तो अब सी वाला जो है इसमें ज्यादा है, तो ये सी क्या होगा? बी की अपेक्षा ऊपर होगा और अधिक संतोष प्राप्त करेगा, ठीक है, अधिक ज्यादा से ज्यादा संतोष देने का, संतुष्टि देने का काम करेगा। इसी भांति सी में बी की अपेक्षा अधिक केले हैं, बी और सी दोनों में आमों की मात्रा समान है, इसलिए सी और बी की अपेक्षा संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करेगा और बी की अपेक्षा एक और ऊंचे अधिमान वक्र पर होगा। तो एक और ऊंचा जो अंधिमान वक्र है वो होगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा, अब आपसे पूछा है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो IC3 में आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। ओके, क्लियर, कोई किसी प्रकार का डाउट हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। अधिक आम अथवा अधिक केले अथवा दोनों की अधिक मात्रा वाले संयोग उच्च अंधिमान वक्र पर होंगे तथा उन संयोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो संतोष के उच्च स्तर को प्रदान करते हैं। देखो चाहे आम अधिक हो और चाहे केले अधिक हो, या दोनों की अधिक मात्रा वाला जो संयोग हो वही हमें ज्यादा संतुष्टि देगा, क्योंकि हमेशा उपभोक्ता क्या चाहता है, अपनी इनकम में अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा चाहता है, तो जहां उसको अधिक मात्रा वाला संयोग मिलेगा, जहां अधिक मात्रा वाली वस्तु उसको मिलेगी अपने बजट में वही खरीदेगा और उससे संतोष जो होगा उसको ज्यादा मिलेगा। अब आ जाइए, दो अंधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दो अंधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अब देखो पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये अपन ने लिया एग्जांपल 0, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, अपन दो अंधिमान वक्र लेते हैं। जैसा मान लिया
कि भैया पहला ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। अब उसने बोला कि एक अंधिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो पहले अपन काट करके देख लेते हैं कि भैया सबसे लागू होता भी है या नहीं होता। देखो कोई भी काम कर करके ही तो पता चलेगा कि सही भी है या गलत है, ठीक है। गलत होगा तो भी करने से पता चलेगा, सही होगा तो भी करने से पता चलेगा। आज आप प्रैक्टिस करोगे, आप वक्र बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि भाई आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गुरु जी नहीं बन रहा, अरे भाई बना तो सही, प्रयास तो कर, प्रयास करने के वालों की तो कभी हार ही नहीं होती। तो पहले प्रयास कर करके देखते हैं कटते हैं या नहीं कटते, और नहीं कटते तो अपन नहीं काटेंगे, ठीक है, और कटने भी नहीं देंगे, चिंता ही मत करो अपन बैठे हैं, ठीक है, चिंता ही मत करिए आप, कटने नहीं देंगे अपन। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको ए नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये मान लीजिए ये बी हो गया, और ये मान लीजिए ये सी हो गया। ये मेरा IC1 है और ये मेरा IC2 है, ठीक है। अभी तक के नियमों के अनुसार ये बात कही जाती है कि भैया जो ऊपर वाला जो आईसी होगा, ऊपर वाला अंधिमान वक्र होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा। बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर, ऊपर वाला अंधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि देगा। मतलब ए और सी जो है ये दोनों किस पर है, IC2 पर है, और ए और बी ये दोनों किस पर है, IC1 पर है। क्योंकि ए तो दोनों पर है ना, इस IC2 पर भी और IC1 पर भी है, ठीक है, ए तो IC1 पर भी और IC2 पर भी है, ओके। और हम ये बात भी कहते हैं, जैसा हमेशा ये बात कहता हूं कि भैया यहां पर कोई पॉइंट है और चाहे यहां पर कोई पॉइंट है और चाहे कोई यहां पर पॉइंट है, ये सब हमें सेम संतुष्टि दे रहे हैं, एक जैसा सेटिस्फेक्शन देंगे, सेटिस्फेक्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि IC1 पर ये वाला ए और ये बी, ए बराबर बी, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, IC1 की बात कर रहा हूं। और इसी प्रकार से IC2 में देखूं तो IC2 में A बराबर C, ठीक है। भैया IC1 पर A पॉइंट है, B पॉइंट है, और मानते हैं कि दोनों अगर अंधिमान वक्र पे जितने भी पॉइंट होंगे वो समान संतुष्टि देंगे, बिल्कुल सही बात है। ऐसे A और B बराबर हो गया और A और C बराबर हो गया। अब इसमें देखो IC1 A के A बराबर B है और IC2 A बराबर C है, तो मतलब A तो यहाँ पे कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, B बराबर C भी हो गया। ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा ना, A बराबर B और A बराबर C, तो मतलब अब जैसे मैंने बोला कि भैया मैंने लिख रखा A बराबर बी, अब यहां पे ये भी लिख रखा कि ए बराबर सी, तो मैं ए की जगह सी भी लिख सकता हूं, तो हो गया ना बी बराबर सी। इसका मतलब ये हो गया कि बी बराबर सी, तो फिर भैया जो अभी हम पढ़ करके आए कि उच्च अंधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि देता है, तो वो वाला तो बात ही कैंसिल हो जाएगी, वो तो बात ही कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब तो यह हो गया कि बी और सी ये तीनों पॉइंट बराबर से हो गए लगभग लगभग। अगर काट देंगे तो गलत हो जाएगा, काट देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर फिर वो वाला फॉर्मूला, वो वाली बात असत्य हो जाएगी कि ऊपर वाला अंधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि देता है, तो कभी कट ही नहीं सकता ना बेटा, अपन ने पूरा प्रूफ कर दिया। क्योंकि अपना नियम ये कहता है कि ऊपर वाला जो अंधिमान वक्र होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा। और अब यहां पर ए पॉइंट दोनों पर है, IC1 पर ए बराबर बी हो जाएंगे, IC2 पर ए बराबर सी हो जाएंगे, मतलब बी बराबर सी हो गया। जब दोनों ही बराबर हो गए तो फिर संतुष्टि कौन सा ज्यादा दे रहा है, कौन सा संतुष्टि ज्यादा देगा, कैसा पता लगाएंगे, तो यहां पर इसलिए कहा जाता है कि एक अंधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। एक दूसरे को काटते हुए दो अंधिमान वक्र परस्पर विरोधी परिणामों का दिखाते हैं, तो यहां पर जब एक दूसरे अंधिमान वक्र को काटेंगे तो परस्पर विरोधी परिणाम आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिशन वाले जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर एक तस्वीर दिखाई है, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है और ये वाला सी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो ये IC1 जा रहा है इस पर ए और बी है, और IC2 जो जा रहा है उस पर ए और सी है, ठीक है, तो वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई है वैसा का वैसा यहाँ पर पूरा का पूरा है। इसे समझने के लिए हमें दो अंधिमान वक्रों को एक दूसरे को काटने देते हैं, काटो 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 काट लो, काटने से ही पता चलेगा कि कट सकते हो या नहीं कट सकते हो। क्योंकि बिंदु ए तथा बी, ए के अंधिमान वक्र IC1 पर स्थित है, संयोग ए तथा बी समान स्तर का संतोष प्रदान करेंगे, तो ये अपना IC1 बता रहा है, यहां पर A भी है और B भी है, तो A और B दोनों सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि एक अंधिमान वक्र पे जितने भी बिंदु होंगे बराबर का सेटिस्फेक्शन देते हैं या नहीं देते बच्चों, देते हैं, तो यहां पर A बराबर B हो गया। इसी प्रकार बिंदु B और C जो है वो A के अंधिमान वक्र IC2 पर है, ये IC2 पर है, कौन कौन सा है, बिंदु B और C नहीं बच्चों, बिंदु A और C है यहां पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बिंदु ए और सी, तो ए और सी क्या है, बराबर है IC2 पे, तो ये भी समान संतोष स्तर प्रदान करेंगे, मतलब ए बराबर सी भी हो जाएगा, तो इसका मतलब बी बराबर सी हो गया अपना।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु बी तथा सी से भी प्राप्त उपयोगिता समान होगी, ए और सी से भी जो प्राप्त उपयोगिता है वो समान हमें मिलेगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि विसंगत निष्कर्ष है, क्योंकि केलों की उसी मात्रा से जैसा बिंदु बी पर उपभोक्ता आमों की अधिक मात्रा प्रदान करता है, इसी प्रकार बिंदु बी पर उपभोक्ता बिंदु सी की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में है। तो ये तो भैया क्या हो गया, विसंगत हो गया, गलत निष्कर्ष निकल गया। गलत निष्कर्ष कैसे निकल गया कि भैया आप तो दोनों पे आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिल जाएगा, बराबर एक जो ऊपर होगा वो तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, तो वो वाला जो नियम है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। अतः एक दूसरे को काटते हुए अंतिमान वक्र विसंगत निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, मतलब विरोधाभास वाले या गलत जो निष्कर्ष है वो प्राप्त होता है हमें यहाँ पे। इसलिए कहते हैं अतः दो अंतिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, तो कभी भी इस प्रकार से नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर गए बात दिमाग में। चलिए तो अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। अंतिमान वक्र मूल बिंदु के उत्तोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आप यहाँ पर उत्तल भी लिख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, अंतिमान वक्र मूल बिंदु के उत्तोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। अब इसमें क्या पढ़ा है अपन ने, अपन ने पढ़ा है कि भैया ये जैसे कि अपना वक्र की शुरुआत करी एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष, और वाई अक्ष पर हमेशा क्या दिखाया जाएगा, जो त्याग करने वाली मात्रा है वो, ये अपना ओरिजिन, यहां पर ओरिजिन है तो इस ओरिजिन की तरफ यू होंगे। ठीक है, इस ओरिजिन की तरफ यू होंगे, चंद्रमा देखा है आधा चंद्रमा, ठीक है ऐसा बिल्कुल यू होंगे वो। और अब ये क्यों है, क्योंकि ये हमारी वापस से फॉर्मूला कौन सा लगता है, फिर ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये बात तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी अच्छे से समझा दी थी कि भैया ये उत्तल या कॉन्वेक्स क्यों होता है प्रतिस्थापन दर, इसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग एमआरएस, एमआरएस जो है वो गिरती हुई होगी, इसके कारण ये इस प्रकार का होता है। अंतिमान वक्र की यह विशेषता घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण है, मतलब जो एमआरएस है वो घट रहा है, इसके कारण ये यू बन रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु की अधिक मात्रा होती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता वाई वस्तु की मात्रा छोड़ने पर कम करता है। तो जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा उसके पास बढ़ती जाएगी तो वाई की वो छोड़ेगा तो सही, पर धीरे धीरे क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई 5, 1, 4, 1, 3, 1 अभी भी यहां पर इसकी मात्रा कम कर रहा है, पर वो अब कम, पहले 5 छोड़ी फिर 4 फिर 3 इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले से लेक्चर से समझाते हुए आ रहा हूं। ठीक है, तो इसी को सीमांत प्रतिस्थापना दर के कारण होता है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो उत्तल होता है कॉन्वेक्स होता है वो क्यों होता है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापना दर के कारण। एमसीक्यूज में बड़ा ध्यान से बच्चों आप लोगों को करना है, क्योंकि सवाल एमसीक्यूज में थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछ सकता है, वो पूछ लेगा सीमांत प्रतिस्थापना दर के कारण होता है, ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापना दर के कारण होता है, बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापना दर के कारण होता है, या समान प्रतिस्थापना दर के कारण होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा कि ह्रासमान, गिरती हुई जो है, गिरती हुई घटती हुई ह्रासमान इस प्रतिस्थापना दर के कारण यह होता है। तो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को एग्जाम में अटेंड करने हैं। वक्र बड़े आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आपका जो है कॉन्वेक्स किताब का है, और इतने कितने ही वक्र मैंने आपको बना दिया तो आपको परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो आज का लेक्चर अपना इतना ही है। आपको कोई समस्या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, वैसे उम्मीद करता हूँ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 लेक्चर अंतिमान वक्र पे लेकर के चल रहा हूँ मैं। अब हमारा अंतिमान वक्र का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे बजट 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 उपभोक्ता के बजट की। ठीक है, कि उपभोक्ता का बजट क्या होता है। इसके बाद अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, बजट आएगा, मांग आएगी, फिर मांग की लोच आएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चैप्टर से आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिलेगी। तो आराम से 15-16 लेक्चर हम इस चैप्टर के करेंगे, पर हर चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप रेगुलर पढ़ते जाए, हर चीज को समझते जाए, कोई समस्या आते कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और लेक्चर अगर बिल्कुल धसू लगता है ना तो दो काम करने, एक तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हाँ सर बहुत अच्छा लगा जिससे मेरे और जोश आ जाए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।